डाक बंगला चौराहे पे अभी जो है बस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव बैठे हैं। बस पे आरजेडी के कार्यकर्ता जो है वो बैठे हुए हैं और बस को जो है कोतवाली थाना में लेके जाया जाएगा। आप देख सकते हैं अंदर जो है तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं खुद और नेता प्रतिपक्ष और तेज प्रताप यादव भी इसमें बैठे हुए हैं। बस की लोडिंग ओवर हो चुकी है इसलिए जो है कुछ कार्यकर्ताओं को जो है बाहर निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कैसे जो है तेजस्वी यादव जो है बाहर निकले हुए हैं, बस के अंदर बैठे हुए हैं। देखिए देखिए कैसे जो है तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव जो है यहाँ पे है, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है। मजिस्ट्रेट द्वारा लाठी चार्ज करवाया गया और पथराव भी मजिस्ट्रेट ने उन लोगों ने शुरू किया। मजिस्ट्रेट को हमने देखा अपने हाथ से पत्थर मारने का। कैसे जो है राजद के कार्यकर्ता जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव बस में बैठे हैं। देख सकते हैं कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव जो है बस में बैठे हुए हैं और उनके साथ जो है सैकड़ों कार्यकर्ता जो है बस के अंदर मौजूद हैं। बस का लोड भी अधिक हो चुका है। पुलिस के द्वारा अभी कुछ देर पहले जो है लाठी प्रयोग किया गया था जिसमें राजद के कई कार्यकर्ता जो है गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। ये डाक बंगला चौराहे का नज़ारा है, देख सकते हैं आपको हम दिखा रहे हैं राजद कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। और कुछ देर पहले जो है स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी जिस तरह से राजद कार्यकर्ताओं के बीच और पुलिस के बीच जो है काफ़ी बड़ी झड़प हुई थी जिसमें जो है पुलिस के कुछ लोग भी और राजद के कार्यकर्ताओं भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आपको हम सीधा तस्वीर दिखा रहे हैं बस की जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। लगातार जो है नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है। तेजस्वी यादव जो है खुद बस में बैठे हुए हैं कार्यकर्ताओं के साथ। अब देखना है कि बस कहां लेके जा रही है, क्या लगता है कि गिरफ्तारी हुई है लग रहा है तेजस्वी यादव का, जिसमें जो है बस में तेजस्वी यादव के साथ खुद एसपी बैठे हुए हैं। तो आपको हम लगातार तस्वीरें जो है डाक बंगला चौराहे से दिखा रहे हैं। आपको हम लगातार ऐसी तस्वीरों से अपडेट रखेंगे। सरकार को बेरहमी से मार रही है, सिर फट गया है, कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। तो देख सकते हैं कैसे जो है यहाँ पे भीड़ को चित्र बिदर कर दिया, लेकिन काफी ज्यादा चोटें आई हैं। किस डंडा चार्ज किया गया है, डंडा चार्ज किया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे स्थिति काफी नाजुक हो चुकी है। देख सकते हैं आप कैसे जो यहाँ पर स्थिति काफी नाजुक हो चुकी है। यहाँ पे डाक बंगला चौराहा पे जो है दोनों तरफ से पुलिस जो है लाठी भाज रही, उधर से जो है पत्थर चल रहा है।
तरफ से जो है पुलिस काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। और बड़े बड़े रोड़ा यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कैसे यहाँ का आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे जो है लगातार जो है दोनों तरफ से जो है बल प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे हम यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस तरह से देखिए हेलमेट पहन चुके हैं तो हो गया है।